इज असाइन करके. सो योर लीडर कैसा होगा, मतलब वॉक्स ऑन द वॉटर एंड ईट्स रोज पेटल्स, इस तरह का कुछ अंग्रेजी में कहते हैं. ट्राई टू फिगर आउट, यू नो, आप एंड डोंट बी वेरी पोलिटिकल वाइल राइटिंग दिस. जिस तरह मैंने शुरू में कहा, आपके जहन में जो बात आ रही है कि ऐसा बंदा होगा अगर वो हुज माई बॉस, तो यस, देन आई एम वेरी मच विलिंग टू वर्क फॉर हिम और हर. ट्राई टू राइट डाउन अ फ्यू ट्रेट्स, अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स. अब तो जी सर्वेज बड़े अर्सा हो गया आए हुए ना, पीपल डोंट वर्क फॉर देयर कंपनीज, दे वर्क फॉर देयर मैनेजर्स. पीपल लीव कंपनी बिकॉज दे डोंट लाइक देयर मैनेजर्स, नॉट बिकॉज दे डोंट लाइक द कंपनी. गोरा तो हर चीज में स्टेटिस्टिक्स के साथ बात करते हैं, इट्स अ प्रूवन फैक्ट. थोड़ा सा पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाए एंड राइट आउट. द पर्सन हुम फॉर हुम यू वुड लाइक टू वर्क फॉर, आपका लीडर कौन होना चाहिए अगर आप चूज कर सकें, उसके क्या एट्रीब्यूट्स हों, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हों, वो क्या करता हो. सॉरी जी, कुछ पॉइंट शेयर कर लेते हैं. असल में ये हम आएंगे इस पे, आई जस्ट वॉन्ट के एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हम इसको अपने ब्रेन को उस तरफ प्लीज ले जाएं, फिर हम वापस आ जाएंगे. टेक अ कपल ऑफ मिनट्स. असल में मुझे रोस्टम पे या स्टेज पे खड़े होकर ज्यादा प्रेजेंटेशन देना पसंद नहीं है इस तरह के टॉपिक में. इट शुड हैव बीन यू नो मोर इंटरैक्टिव. मैं कुछ पता नहीं, थोड़ी देर में छलांग मार के उधर आके आप लोगों के साथ. ओके, सो यू हैव अ फ्यू आइडियाज, राइट? यू हैव अ फ्यू वर्ड्स, राइट? कि वो आपके लिए मतलब क्या अपॉर्चुनिटीज आपको देता है, आपकी बात सुनते हैं, कंपैशनेट है या नहीं है, listens to you, आपको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं या नहीं मिलती है, लर्निंग आपकी होती है नहीं होती, ऑल दोज थिंग्स. आपको कोई पर्सनल इशू हो जाता है तो वो आपका ध्यान रखते हैं, खुद वो केपेबल है भी या नहीं है जिस काम के लिए वो बैठे हुए हैं आपके पास, एंड सो ऑन. तो इस तरह के मल्टीपल आइडियाज जस्ट राइट देम डाउन. And now we go to the next part of the session, जहाँ पे हम इन दोनों areas को जो हमने identify किए बहुत ही simple तरीके से zoom कर लेते हैं. एक वो area which we said is related to the systems, related to the brain, related to the processes. That's one area that we need to go and zoom into, because I said it's very important. We all agree. We don't want a person who is very compassionate, who is very inspiring, very good to look at, very good to talk to, but he doesn't know the job. You don't want that to be a corporate leader. So, ab hamara jo remaining part hai, wo inhi do dimensions ko hum zoom karenge. And I would like to share a framework with you that we have not only been studying or teaching, we have been practicing as well in our organization, and we have seen it to be practiced in many other. And when you see that framework, you will figure out that this is nothing new. It's just consolidation of what you already know, most probably, most of it. And jis tarah maine kaha ki being a student of leadership and a student of management, Stephen Covey sahab ek apna viewpoint bata rahe hote hain, Jack Welch ko jo log follow karte hain, you know, Steve Jobs ke bare mein bhi bahut kuch kaha ja raha hai. It's a consolidation of lot of tools, lot of systems, lot of processes, or let's say ideas, solutions which were given and consolidated into one framework. So from a systems approach, I think you will appreciate ke ye framework almost har size ki organization pe aur har nature ki organization pe apply ho jana chahiye. I call it head to toe for the total organization excellence framework. इसको जब हम जूम करके देखेंगे तो इंशाल्लाह हमें ये एक आइडिया हो जाएगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस होते हैं, व्हाट शुड बी अ लेआउट इन एनी, यू नो, द
35 people working in an organization or 30,000 people working in the organization or in a department or a division, whatever. और फ्रेमवर्क की कुछ बेसिक फीचर्स, सिंस आई एम सॉर्ट ऑफ एडवोकेट ऑफ दिस फ्रेमवर्क, आई लाइक दिस फ्रेमवर्क, वी हैव प्रैक्टिस्ड इट, वी हैव अप्लाइड इट, और हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं. सो आई मीन जस्ट अ फ्यू मार्केटिंग वर्ड्स अबाउट दिस फ्रेमवर्क. इफ हमने शुरू में लगा दिए, हैज टू बी यूज प्रॉपरली एंड इट हैज टू बी फुली इंटीग्रेटेड इन टू द बिजनेस. This will help the organization to deliver the goals. Not only thing, we have a next phase missing here, the intent part, dil wala part, but systems ki viewpoint. It will definitely help organization to deliver goals. It's also, you know, focusing on people, and we'll see ki jo conventional HR management hai, jisko aaj kal hum human capital management bhi keh lete hain. You know, people have started saying that humans are not resources, consider these as capital. So even jo conventional wo approach hai human capital management ki, wo bhi isi framework mein cover kar lenge. And jis tarah maine kaha ki all key aspects of the various tools which we have seen aapne apne organizations mein aur apne different experiences mein dekhe honge, aur isse change initiate. So ultimately हमने इस पूरी स्लाइड को भर देना है, you know, with small little blocks, and it starts from the top. Leadership का रोल यहां पे स्टार्ट हो जाता है कि the reason for existence of the organization has to be defined, which we call as, let's say, vision statement. उसको कहते हैं. अब इस पे भी visioneering is itself, you know, people spend a lot of time to develop the visions. उसकी मेथोडोलॉजी क्या हो सकती है, व्हाट इज एन अप्रोप्रिएट वे टू डेवलप अ विजन, और इफ यू नो समबडी हैज अ कमेंट अबाउट द विजन बीइंग ओनली कॉस्मेटिक, और लेट्स से एक एचआर की तरफ से सिर्फ एक कार्रवाई है, और रियली हैज एन इंपैक्ट, वी कैन टॉक अबाउट दैट एज वी गो इन द डिटेल्स. बट द फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फ्रेमवर्क इज ऑर्गेनाइजेशन के रीजन फॉर एग्जिस्टेंस क्या है, व्हाई द ऑर्गेनाइजेशन इज देयर, क्या क्या मिशन है, व्हाट इज द स्ट्रेटजी, व्हाट आर द गोल्स फॉर व्हिच द रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर हैज टू बी प्लेस्ड इन. सो वेरी लॉजिकल स्टार्टिंग पॉइंट क्यों ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है. विजन आमतौर पर बहुत, हाउ मेनी ऑफ यू हैव आर एमबीएज ऑल्सो, सॉरी इफ इट्स अ वेरी इनसेन क्वेश्चन. सो आप लोग MBA भी करते हैं और उसके बाद फाइनेंस की स्पेशलाइजेशन के साथ इस फील्ड में आते हैं, या मोस्ट ऑफ यू नॉट? अच्छा, बट वी हैव फ्यू पीपल जिन्होंने सो इनकाउंटर्ड. मैंने इसलिए सिर्फ क्वेश्चन किया कि MBA कोर्सेज में आमतौर पे, या जिन जगह पे, जिन ऑर्गेनाइजेशन में HR फंक्शन काफी स्ट्रांग होता है, वहां पर वो विजन स्टेटमेंट डेवेलप करनी है, मिशन स्टेटमेंट डेवेलप करनी है, काफी एम्फेसिस होता है. Usually people in finance, they are more focused on the numbers, and they, you know, keep their focus at achieving and hitting those numbers, because wo itne complex tools hote hain ki un tools ko themselves manage karna becomes quite you know, brain consuming, I would say. So vision zara zyada generic hota hai, vision is more fuzzy, and it's more it can be adapted. This means organization can still change its functions, still change its objectives, while the vision remains the same. Vision aamtaur pe is tarike se banaya jata hai organization ka. So it's not just related to a very specific 2 to 5 year targets or objectives of the organization. It's about a bigger value that the organization is supposed to create, right, in the society or in the world, in the corporate world that it exists. So vision is a bit more fuzzy. जब आप मिशन स्टेटमेंट की बात करते हैं, आपने देखा होगा डिफरेंट वेब्स, मैं थोड़ा सा टेलीकॉम से ज्यादा इंटरेक्शन है, तो मिशन स्टेटमेंट जो टेलीनॉर पाकिस्तान की ये है, मोबिलिंग की ये मिशन स्टेटमेंट है, यूनिलीवर्स, डिफरेंट एफएमसीजीज जो हैं, दे आर ऑलवेज टॉक अबाउट देयर मिशन स्टेटमेंट्स. मिशन स्टेटमेंट थोड़ी सी फर्म होती है, इट्स अ बिट फर्म. मिशन स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट, यू नो, द कंपनीज़